नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। उपेंद्र कुशवाहा ने आज फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की पोल खोल कर रख दी है। अति पिछड़ा कार्ड खेलते हुए कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री अति पिछड़ा विरोधी है, अति पिछड़ा के बेटे को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। उन्होंने अति पिछड़ा समाज के नेता को मंत्री तो बनाया लेकिन उन पर भरोसा नहीं करते हैं। कुछ दिन पहले अडानी ग्रुप के बारे में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसके बाद अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर्स को काफी नुकसान हुआ है। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में LIC का भी पैसा लगा है और अब इस पैसे को लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही हैं। डर का माहौल बना जा रहा है, पैसे डूबने का खतरा बताने वाले नैरेटिव चल रहा है। LIC की रकम करोड़ों भारतीयों की मेहनत की रकम है। भारत में LIC की करोड़ों पॉलिसी होल्डर है, इसलिए किसी तरह की अफवाह या गलत फैक्ट करोड़ों भारतीयों को परेशान कर सकता है। जदयू में जारी घमासान के बीच जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज फिर CM नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले तौर पर कहा है कि नीतीश जी ने जो हिस्सा लालू यादव से मांगा था वही हिस्सा मैंने नीतीश जी से मांगा है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा है कि मैं बिना हिस्सा लिए नहीं जाऊंगा, चाहे तो मेरे साथ पद ले लें, मुझे किसी पद का लालच नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जदयू ने मुझे विधान पार्षद और पार्टी के संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पावर के नाम पर झुनझुना थमाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी से मुलाकात की। PM ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने वैश्विक जल संसाधनों के संरक्षण और अनुकूलन के महत्व पर महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी से चर्चा की है। PM ने यह भी कहा कि भारत की पहली यात्रा पर आए कोरोसी का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। हमने संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत में G20 के लिए उनके समर्थन का स्वागत किया। बिहार में बोर्ड परीक्षाएं बुधवार 1 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्र छात्राओं की तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है। कक्षा में 12वीं की बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड समय से जारी किए जा चुके हैं, जिसके प्रिंट आउट के साथ साथ उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर में एंट्री दी जानी है। हालांकि बोर्ड ने अब कहा है कि अगर किसी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड खो जाता है तो भी परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा 15 साल से पुराने 9 लाख सरकारी वाहनों को 1 अप्रैल के बाद सड़क पर चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। इनके स्थान पर नए वाहन लगाए जाएंगे। ये वाहन केंद्रीय और राज्य सरकारों और परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे हुए हैं। कुछ माह पहले एक आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए VTR के कर्मी दिन रात एक किए हुए थे। इस बार बाघ नहीं, नेपाल से भटककर आया हाथियों का एक झुंड है। इसे पकड़ने के लिए वन विभाग के कर्मी दिन रात लगे हुए हैं। आगे आगे हाथियों का झुंड है तो पीछे पीछे वन विभाग की टीम। वन कर्मियों का प्रयास है कि किसी तरह से बिना किसी भी नुकसान पहुंचाए हाथियों के झुंड को वापस नेपाल भिजवा दिया जाए। हर साल की तरह इस साल भी 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होगा। हालांकि साल 2016 तक बजट फरवरी के आखिरी दिन में पेश किया जाता था, लेकिन 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करने का दिन बदल कर 1 फरवरी कर दिया था। वित्त मंत्री 2023-24 को यह बजट वर्तमान सरकार के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उनका यह आखिरी पूर्णकालिक बजट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस साल अपना 5वां बजट पेश करेंगी। पत्रकार नगर थाने के पुलिस ने एक बार फिर से साइबर फ्रॉड गिरोह के 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से फर्जी कंपनी के 10 रबर स्टाम्प, राशि लिखा 6 चेक, विभिन्न बैंकों के 16 ATM कार्ड, 15 ब्लैंक चेक, 5 पासबुक, फर्जी कंपनी कवि ट्रेडर्स, काजोल इंटरप्राइजेज, राज इंटरप्राइजेज, अनीता ट्रेडर्स के दस्तावेज के अलावा श्रम संसाधन विभाग से संबंधित फर्जी कागजात मिले हैं। गिरफ्तार दोनों साथी सिंटू और मंटू अरवल का रहने वाला है, जो पटना के रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर साइबर फ्रॉड करता था। संसद का बजट सत्र आज 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से शुरू होगी। राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी। वहीं केंद्र सरकार अपना आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेगी। इस बीच कांग्रेस पार्टी की ओर से जानकारी दी गई है कि श्रीनगर से उड़ानों में विलंब चलते पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके कई अन्य सांसद बजट सत्र के पहले दिन होने वाले राष्ट्रपति के अभिभाषण के मौके पर मौजूद नहीं रह सकेंगे। कनाडा के ब्रैम्पटन में एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर पर भारत विरोधी भित्ति चित्र बनाकर उसे विरूपित किया गया है, जिससे भारतीय समुदाय में नाराजगी है। वाणिज्य दूतावास कार्यालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा है कि मंदिर में तोड़फोड़ के घृणित कृत्य से कनाडा में भारतीय समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। हमने कनाडा के अधिकारियों के समक्ष इस मामले पर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। संसद का बजट सत्र आज यानी मंगलवार से शुरू हो रहा है।
जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी 2023 को वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश करेंगे। उससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना पहला अभिभाषण देंगी। बजट सत्र के दौरान सरकार की नजर राष्ट्रपति के अभिभाषण, धन्यवाद प्रस्ताव और वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट आदि पर सुचारू रूप से चर्चा कराने पर रहेगी। तो वहीं विपक्षी दलों ने अडानी समूह बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के मामले पर केंद्र सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। पीएम मोदी पर बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर रूस के विदेश मंत्रालय का बयान आया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि यूनाइटेड किंगडम का नेशनल ब्रॉडकास्टर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन भारत के खिलाफ इन्फॉर्मेशन वॉर छेड़ रहा है। इसी के साथ रूसी प्रवक्ता ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की भी आलोचना की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर पहली उच्च स्तरीय बैठक में अमेरिका एनएसए जैक सुलवीन समेत शीर्ष अमेरिकी नेतृत्व से अहम वार्ता की। अधिकारी शिक्षाविद व उद्योग विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत अमेरिका परमाणु समझौते के बाद यह वार्ता दोनों देशों के रिश्तों के बीच अगला बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा है कि संसद बजट सत्र से पहले अर्थव्यवस्था की दुनिया की जानी मानी आवाजें देश के लिए सकारात्मक संदेश ला रही है और इस वित्तीय वर्ष के बजट पर न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया भर की निगाहें हैं। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग समेत कई वैश्विक चुनौतियों के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की ओर से आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किए जाने से पहले भारत के लिए एक अहम खबर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने अगले साल के लिए अनुमान जताया है कि अगले वित्त वर्ष में भी भारत की ग्रोथ दुनिया के अन्य देशों की तुलना में तेज रहेगी। वहीं इस साल भी चीन से आर्थिक वृद्धि के मामले में आगे रहेगा। अगले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.1% रह सकती है। खास बात यह है कि IMF के अनुमान के तहत सिर्फ भारत में ही आर्थिक वृद्धि दर 6% से ज्यादा रहने वाली है। भारत में सौर PV विनिर्माण की स्थिति शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता सितंबर 2022 के अंत तक 39,000 मेगावाट थी, इसलिए साल 2025 के अंत तक बढ़ाकर 95,000 मेगावाट पर पहुंचने का अनुमान है। रिपोर्ट कहती है कि भारत के फोटोवोल्टिक यानी PV विनिर्माता अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने तथा आगामी वर्षों में नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए सरकार के प्रोत्साहन कार्यक्रमों की वजह से रणनीतिक रूप से तैयार है। 12 फरवरी को देश का एक और हाईटेक एक्सप्रेसवे आम लोगों के लिए खुलने वाला है। इस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। जर्मन टेक्नोलॉजी बेस्ड यह एक्सप्रेसवे इतनी एडवांस है कि अब दिल्ली से मुंबई का सफर आधा हो जाएगा। इसके अलावा दूरी कम होने की वजह से फ्यूल भी कम लगेगा। बजट 2023 के पेश होने से पहले कई तरह के सर्वे किए जा रहे हैं कि 2023-24 के लिए विकास की दर क्या हो सकती है, लेकिन इसका आधार इस बात पर तय होता है कि बीते कुछ सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या रही है। अगर आंकड़ों पर जाएं तो 2022-23 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 8 से 8.5% तक आंकी गई थी। वहीं 2023-24 में GDP वृद्धि 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। मध्य रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेलवे बोर्ड से इस संबंध में निर्देश प्राप्त हुए हैं कि मुंबई दौरे में PM मोदी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी CSTM से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों CSMT सोलापुर और CSTM साईनगर शिरडी को हरी झंडी दिखाएंगे। देश में तेजी से बदलती बैंकिंग सेवाओं के बीच अब SBI के कुछ ग्राहकों को बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। SBI उन्हें घर बैठे कैश जमा करने निकालने समेत कई तरह की सेवाएं देंगी। इस सेवा को SBI ने डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस का नाम दिया है। इस सर्विस का लाभ पाने के लिए निश्चित श्रेणी के ग्राहकों को बैंक की DSB मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने होंगे और उसके बाद आवेदन करना होगा। आवेदन सफल होने के बाद कैश जमा करने या कैश देने के लिए बैंकिंग एजेंट सीधा ग्राहक के घर जाकर बैंकिंग सेवा देगा। इस बार के बजट में आत्मनिर्भर भारत मुहिम को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है। इन ऐलानों में का मकसद देश को और देश की जनता को आत्मनिर्भर बनाना होगा। इसके लिए मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल पर सरकार अपना फोकस बढ़ा सकती है। ये कदम आम आदमी और इकोनॉमी को राहत देने की कोशिश के तहत उठाया जा सकता है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो चुकी है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता AK एंटनी ने भारत जोड़ो यात्रा को सफल बताते हुए राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि मोदी सरकार की ओर से कथित तौर पर फैलाई जा रही नफरत और गुस्से की राजनीति से देश को बचाने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कल यानी 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगी। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट होगा। बता दें कि बजट सरकार की कमाई और खर्च का लेखा जोखा होता है और इसे तैयार करने की प्रक्रिया बेहद गोपनीय होती है। बजट की छपाई में जाने से पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। वर्तमान समय में यह सेरेमनी नॉर्थ ब्लॉक में होता है।
इसी ब्लॉक में वित्त मंत्रालय भी स्थित है। बजट की छपाई भी नॉर्थ ब्लॉक में ही की जाती है, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं होता था। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया गया है। आज 31 जनवरी से अमृत उद्यान में आम जनता की एंट्री हो सकेगी। अमृत उद्यान अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। खुशबूदार रंग बिरंगे फूलों के आकर्षण और अमृत उद्यान के सौंदर्य को देखने देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग दिल्ली आते हैं। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने मंगलवार से एक नई पहल की शुरुआत की है। दरअसल दिल्ली सरकार ने रियल टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट स्टडी की सुपर साइट और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग मोबाइल वैन लॉन्च की है। ये सुपर साइट दिल्ली के राउज एवेन्यू के सर्वोदय बाल विद्यालय में तैयार की गई है। रियल टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट स्टडी के जरिए दिल्ली में किसी भी जगह पर वायु प्रदूषण में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान करने में मदद मिलेगी। बता दें कि दिल्ली वायु प्रदूषण का रियल टाइम पर प्रदूषण के स्रोत की पहचान करने वाला देश का पहला शहर बनेगा। गौतम अडानी को ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में चौथे नंबर से 11वें नंबर पर लाकर पटक दिया है। इस साल अडानी की संपत्ति 36.1 अरब डॉलर कम होकर 84.21 अरब डॉलर रह गई है। बता दें कि इस साल गौतम अडानी को दुनिया के सबसे बड़े रईस बनने की उम्मीद थी और अब वह टॉप 10 लिस्ट से ही बाहर हो गए हैं। शेफाली वर्मा की अगुवाई में भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड चैंपियन बनकर इतिहास कायम किया है। वर्ल्ड कप के बाद देश की बेटियों पर इनाम की बारिश हो रही है। इन सबके बीच अब सभी की नजरें महिला आईपीएल ऑक्शन पर टिक गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार आयोजित होने वाले महिला आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की नीलामी अगले महीने यानी फरवरी के पहले सप्ताह में हो सकती है। अंडर 19 विश्व विजेता 4 खिलाड़ियों पर नीलामी में पैसे की बरसात कर सकती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य कानपुर एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। यहां पर पूर्व विधायक और सपा नेता भगवती सागर की बेटी के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर भी जमकर वार किया। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी और पाखंडी बताया। भारत इस साल होने वाले G20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने सोमवार को कहा कि भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक संकट बढ़ने के समय में भारत के लिए इस मंच की अध्यक्षता वैश्विक एजेंडे को आकार देने का एक बड़ा अवसर है। श्रृंगला ने कहा है कि भारत के G20 दृष्टिकोण का आदर्श वाक्य सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास और सबका प्रयास के विचार के अनुरूप है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, रवि शंकर, अनवर करीम खान, महमूद अंसारी, कुश कुमार यादव, एमडी साकिर हुसैन, राही राज, एमडी नौसाद रजा, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, राजू कुमार रजक, निशिकांत कुमार सिंह, राम प्रवेश प्रसाद। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो जाने के बाद आपके अनुसार राहुल गांधी की छवि पहले से बदली है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।